डिलीवरी एक बच्चा बाहर दिया है, दो बच्चे आए, एक सुबह आया एक अब आया अगर कर देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑपरेशन ही है। है रात को 11 बजे तक ना ये चिल्ला रही थी तो हमको अंदर लेके जाना पड़ा और फिर इसने बच्चा दिया तो फिर वो बच्चा मरा हुआ था। वेरी गुड गर्ल। आप पहले जाओगे दाना पानी जो होटल है ना, अच्छा पुहारा से आगे जो पुल के पास है, वो स्कूल के पास ही। हाँ। ये बात कर रही है तकाचा। हुआ क्या? अच्छी है उसकी ना। हाँ। वो होटल के बाहर है। आप नहीं लगाने दे रही है किसी को भी बच्चों के साथ, तो हम उसके बच्चों को वहाँ से हटा के होटल में रख के उसको डॉग को वहीं छोड़ देंगे। चलो बच्चे कहाँ हैं इसके? इसके पास यहाँ कैचर डालोगे तो बच्चे कैचर में चले जाएंगे सारे। भैया सजेस्ट कर रहे हैं नाम क्या? फायर ब्रिगेड। फाइव ब्रिगेड रख देते हैं इसका नाम, क्योंकि आग की तरह पीछे बढ़ रही है। हम इसको किसी लेके नहीं जा रहे हैं, यहाँ ये होटल के मालिक हैं, ये वो यही इसकी देखभाल कर रहे हैं और बोलते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर देखभाल करते रहेंगे। जोजो की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, बच्चे बच्चेदानी में फंसे पड़े थे, वो खुद अनीमिक थी और बहुत ज़्यादा पेन में थी, तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने एकदम से डिसीजन लिया कि इसकी सीजीरियन कर देनी चाहिए, तो इसको सीधे ही हम सर्जिकल टेबल पर लेकर चले गए। ये एक सीजीरियन की सर्जरी थी जिसमें हम यूट्रस को उसकी बच्चेदानी को काट कर बच्चों को बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमें पता ही था मरे हुए ही पैदा होंगे। तो अब यहाँ पे उसका पोस्ट ऑप किया जा रहा है, अनीमिया से भी उसको जो है अब थोड़ी राहत मिलने लगी है, साथ में उसको एंटीबायोटिक्स के शॉट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि उसकी हीलिंग प्रॉपरली हो और ख़राब ना हो, इन्फेक्शन ना बढ़े, तो जल्द ही जो है उसको हम रिलीज़ कर देंगे उसके घर। अब जब तुषार ये वीडियो एडिट करने लगा तो उसने मुझे कहा एक बार वीडियो चेक कर लीजिए, तो मैं देखा एक भी शॉट ऐसा नहीं था जिसमें भोपू ने लक्ष्मी को अंत में देखा हो। तो मैंने छूटते ही कहा कि यार एक बारी कम से कम तुम भोपू को लक्ष्मी से मिलवा तो देते, उसको एक क्लोजर मिल जाता। तो उसने कहा कि भाई मैंने साहिल से पूछा था, साहिल जो है जमींदारों का लड़का है, तो इन लोगों ने बचपन से घर में गाय रखी हुई है, तो उसने कहा कि अगर भोपू देख लेती है कि लक्ष्मी की डेथ हो गई है तो हो सकता है वो कुछ हफ्तों तक खाना पीना बंद कर दे और वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगी। अब साहिल से कोई पूछे, मुझसे कोई पूछे, हमें दूध से कोई समस्या नहीं है, हम बस दूध की अब ये कीमत नहीं चुकाना चाहते। ये मर गया? हाँ, ये वो
रहा है।